हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज जो व्लॉग है थोड़ा सा स्पेशल है, क्योंकि आज मैंने कुछ जो रेसिपीज़ मैंने बनाई हैं वो बनाई हैं बल्क क्वांटिटी में। एक्चुअली मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, तो सोचा था उन्हें क्या गिफ्ट दूँ, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। और काफ़ी दिनों से मैंने कुछ बल्क नहीं बनाया था बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में, तो मैंने सोचा उनके बर्थडे पर मैं ऐसा ही करती हूँ, बल्क क्वान्टिटी में कुछ अच्छी सी उनकी फेवरेट रेसिपीज़, उनकी पसंदीदा जो खाना है वो बनाती हूँ। और अपने एरिया में, मोहल्ले में, यहाँ पर मैंने सबको बांटा था और बहुत ही टेस्टी और लाजवाब ये रेसिपीज़, ये डिश बनी थी। मैंने बनाया था फ्रेंड 6 से 7 किलो बिरयानी, मुरादाबादी स्टाइल बिरयानी है ये, और 10 किलो यहाँ पर दलीम, जिसे हम हलीम भी कहते हैं, जो हम बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ज़बरदस्त। ये मेरे हस्बैंड की दोनों फेवरेट फूड है, तो मैंने ये ट्राई किया है, तो सोचा आपके साथ ये अपने एक्सपीरियंस, ये कुकिंग जो मैंने रेसिपीज़ बनाई हैं शेयर करूं। और अगर आपको भी कुछ इन रेसिपीज़ किससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर कमेंट्स करें। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि मैंने ये बल्क रेसिपीज़ कैसे बनाई। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम दलीम बनाएंगे, थोड़ा उसमें टाइम लगता है। यहाँ पर मैंने 4 तरीके की दालें ली हैं, चना दाल, मूंग की धुली दाल, मसूर की दाल और अरहर की दाल, तुअर दाल जिसे हम कहते हैं। ये मैंने 250 ग्राम सारी बराबर ले ली थी। और फ्रेंड्स, इन्हें अच्छे से वॉश करके हमें सिर्फ सिंपल इन्हें बॉयल करना है। और ये देखिए, यहाँ पर गेहूँ है, ये 1 किलो गेहूँ लिए हैं, रात को मैंने भिगो दिए थे, तो अब बस इन्हें सिंपल हमें बॉईल करना है। दाल को भी अलग बॉईल करना है और गेहूं को भी अलग बॉईल करना है। ये देखिए, सारी दालें अच्छे से वॉश करके मैंने डाल दी हैं। सिर्फ सिंपल मैंने इसमें हल्दी और नमक डाला है, बस हमें इतना इन्हें बॉईल करना है। फ्रेंड्स, भिगोने वाली बात है कि मैंने सिर्फ दालों को आधा घंटे भिगोया था, इससे ज़्यादा नहीं भिगोया था। और बस हमें इन्हें 2 सीटी या थोड़ा सा 10 मिनट हम सिम पे रखेंगे, तो ये अच्छे से बॉईल हो जाएंगी। फ्रेंड्स, गेहूं हम बॉईल करेंगे, उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक पोटली बना लें आप, छोटा सा वो कपड़ा ले लें कॉटन का, सूती, और उसमें 3 चम्मच सौंफ लिए हमने और 3 चम्मच जो हमने लिए हैं साबुत धनिया। इन्हें ऐसे तरीके से बांध के हम टाइट कर लेंगे और कुकर में डाल देंगे। यहाँ पर मैंने गेहूं भी ले लिए हैं और पानी बिल्कुल गेहूं से 2 इंच ज़्यादा हमें लेना है, ताकि अच्छे से गेहूं जो है बॉयल हो जाए। और 1 सीटी लगाने के बाद 15 से 20 मिनट हम सिम पर रखेंगे, ताकि गेहूं जो है अच्छे से बॉईल हो जाए। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, दाल अच्छे से गल चुकी है, थोड़ी सी मैश लग रही होगी, इस तरीके से ही हमें रखना है। और यहाँ पर, और ये देखिए, यहाँ पर गेहूं भी गल चुके हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, मैशी मैशी से हमें थोड़े से कर लेने हैं। और एक बड़े बर्तन में जिसमें हमें बनाना है, उसमें इन दोनों को मिक्स कर लेंगे, गेहूँ को भी और दालों को भी। अब हम जो इसका गोश्त है, जो हम इसमें ग्रेवी डालेंगे बना के, वो हम तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने बीफ लिया है और ये लिया है 2 से 2.5 किलो। हमने यहाँ पर 6 से 7 चम्मच ऑयल लिया है, उसको गरम करा है और डायरेक्ट हम इसमें गोश्त के पीसेस डाल देंगे। ये बफेलो मीट है, 2 से 2.5 किलो हमने लिया है, और सारा जो मीट है हम इस तरीके से डालेंगे। थोड़ी देर, 1 से 2 मिनट हम ऑयल में इसको पकाएँगे। यहाँ फ्रेंड्स, मुझसे थोड़ी सी एक ही प्रॉब्लम हो गई, कि जो मैंने ये कुकर लिया था वो थोड़ा सा मीट के हिसाब से छोटा पड़ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने एडजस्ट कर लिया। लेकिन आपसे ये ज़रूर ये है कि आप ज़रूर थोड़ा सा बड़ा कुकर या थोड़ा बड़ा साइज़ का बर्तन लें, ताकि अच्छे से जो मीट है पक सके। और यहाँ पर देखिए, मैंने 250 ग्राम अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, इतनी क्वांटिटी में 250 ग्राम सफिशियंट है। आप दोनों चीज़ों को जब मिक्स करके पीसेंगे, तो 250 ग्राम क्वांटिटी होनी चाहिए, यानी कि 1 कप। और अब लहसुन अदरक के साथ भी हम मीट को अच्छे से भूनेंगे, 5 मिनट हम भूनेंगे। यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स। ये प्याज, सिंपल प्याज जो है उसका पेस्ट है। यहाँ पर मैंने 1/2 kg प्याज ली है, मीडियम साइज़ की प्याज थी, और 1/2 kg, आधा किलो, और उनका हमने पेस्ट बना लिया है सिंपल, वो इसमें हमने डाल दिया है। इसी से मसाला ग्रेवी बनेगी, नॉर्मल जैसे हम आलू गोश्त बनाते हैं, ये वो भी अपना मीट भूनते हैं इस तरीके से। यहाँ देखिए, अब मैं मसाले डालूंगी। यहाँ पर मैंने 3 चम्मच रेगुलर लाल मिर्च जो हम यूज़ करते हैं वो लिए हैं, और इसके बाद 1 से 2 चम्मच हम ये कश्मीरी लाल मिर्च लेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा, ये देखिए यहाँ पर। और अब हम लेंगे यहाँ पे 4 से 5 चम्मच धनिया पाउडर, जितनी हम क्वांटिटी में बना रहे हैं उसमें ये सफिशिएंट रहेगा, 4 से 5 चम्मच
हम ये यहाँ पर धनिया पाउडर लेंगे और यहाँ पर मैंने 3 चम्मच भर के डाला है हल्दी पाउडर, क्योंकि हल्दी हमने गेहूं में हल्दी नहीं डाला था तो हमें हल्दी थोड़ा ज़्यादा चाहिए इसमें, इसलिए हमने यहीं पर ही हल्दी डाल दी है। और 2 चम्मच नमक हम डालेंगे, क्योंकि हमने गेहूं में भी और दाल में भी दोनों में बॉईल करते टाइम नमक डाला था, इसलिए हम नमक को यहाँ पर थोड़ा सा कम डालेंगे, बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे। और अच्छे से मसालों को भूनेंगे मीट के पीसेस के साथ, अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हमने गलाना भी है गोश्त को, तो हम ऐसे गलाएंगे अब जैसे यहाँ पर हमने सब अच्छे से मसाला मिक्स कर देंगे और गैस को ढक्कन लगा के 1 सीटी आने पर सिम कर देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि जो गोश्त है जो पीसेस हैं वो अच्छे से मीट के गल जाएं। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स गोश्त अच्छे से गल चुका था और मैंने यहाँ पर भून लिया है। थोड़ा मैसी हो रहा था क्योंकि काफ़ी टाइम लग रहा था, बहुत बल्क क्वांटिटी में बनाना था, तो यहाँ पर मैंने गोश्त अच्छे से गल गया था, इसलिए अब मैंने कुकर खोला था और अच्छे से भून लिया है इसको, ताकि इसमें सारा पानी जो है सूख गया है। और आप चाहें तो दही के साथ भून सकते हैं, क्योंकि दही अगर हम मीट में मिलाते हैं तो अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर आप दही ले सकते हैं, दही अगर आपको लेना है 250 ग्राम आप दही लेंगे। गरम मसाला फ्रेंड्स हम पिसा हुआ डालेंगे इसमें, साबुत हमने कोई मसाला नहीं डाला है, क्योंकि ये मुंह में आएगा तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम गरम मसाला पिसा हुआ इसमें 2 से 3 चम्मच वो डालेंगे। यहाँ अच्छे से भुनाई हो गई है और जो पीस है मीट के वो भी अच्छे से गल चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप फ्रेंड्स ये है, जो दाल हमने बॉईल करी थी, गेहूं बॉईल करे थे और ये जो मीट हमने तैयार किया है, इन तीनों को एक बड़े बर्तन में हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने तीनों चीज़ों को, दाल और गेहूं और जो मीट हमने तैयार किया है भून कर, उन तीनों को मिक्स कर लिया है। ये टोटल 10 किलो क्वान्टिटी में हमारा तैयार हो गया है तीनों चीज़ें। हम 1-1 किलो हमने दाल और गेहूँ लिया था और 2 से 2.5 किलो हमने यहाँ पर मीट लिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। पानी कितना कंसिस्टेंसी में रखना है वो आप इसमें जब तीनों चीज़ें मिक्स करेंगे उसके बाद आप पानी ऐड करके देख लेंगे कितना हमें, ये देखिए इतनी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है दलीम के लिए। यहाँ पर देखिए फ्रेंड गैस को हम थोड़ा फुल रखकर और एक बॉयल आने देंगे, इतना हमें इन तीनों चीज़ों को पकाना है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, मसाले मीट दाल गेहूं अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ पर पानी डाल के देखिए इतनी कंसिस्टेंसी मैंने रखी है अपने दलीम में जो हमने बनाया है। मैंने ये बिल्कुल 10 किलो क्वांटिटी का जो बर्तन है वो पूरा फुल भर के आया है, जितनी हमने क्वांटिटी ली है इस तरीके से बनाएं। और इसके ऊपर से आप फ्रेंड्स अब इसमें पिसा हुआ गर्म मसाला डाल सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लें यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स दलीम बिल्कुल रेडी हो चुका है, बॉयल आ गया था, मैंने गैस ऑफ कर दिया है, हरा धनिया से गार्निश कर लिया है और ऊपर से फ्रेंड्स जो हम प्याज ब्राउन करते हैं उसका जो ऑयल बचता है वो मैंने ऊपर से डाला है। थोड़ी सी तरी लगेगी, थोड़ा सा अच्छा लगेगा दिखने में और टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर दलीम बनकर बिल्कुल तैयार है फ्रेंड्स। अब हम बिरयानी की तैयारी करेंगे। यहाँ पर मीट के पीसेस लिए हैं, बफेलो मीट ही है ये, और ये है 3 किलो क्वांटिटी में और अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसे मुझे सिंपल बॉईल करना है, पानी डाल दिया है मैंने और इसमें नमक डाल के हमें इसे सिर्फ 1 सीटी आने के बाद 15 से 20 मिनट सिंपल रखना है और इसे सिंपल बॉईल करना है। ये देखिए यहाँ पर बर्तन लिया है, यहाँ पर मैंने 20 किलो का बड़ा बर्तन लिया है, उसमें ही अच्छे से बिरयानी बनेगी, 6 से 7 किलो की क्वांटिटी में बनेगी। और ये मैं प्याज डाल रही हूँ, यहाँ पर मैंने लिए हैं फ्रेंड्स 6 से 7 चम्मच जो ऑयल लिया है जितनी हम क्वांटिटी में बना रहे हैं। और उसमें देखिए प्याज डाली है मैंने 1/2 kg, 1/2 किलो आप प्याज लेंगे, उसे बारीक स्लाइस करेंगे और इसे हमें ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन हो जाएगा उसके बाद हम इसमें और आगे के मसाले डालेंगे। ये देखिए यहाँ पर प्याज ब्राउन होना शुरू हो गई है। अब इसमें फ्रेंड्स हम साबुत मसाले डाल देंगे, साबुत वही मसाले जो हमारे बेसिक होते हैं बिरयानी में हम डालते हैं, दालचीनी है और तेज पत्ता है, 4 से 5 बादियान के फूल स्टार एनिस है, 3 से 4 चम्मच काली मिर्च, 1 से 2 चम्मच हमने ली हैं लौंग और 5 से 6 हमने ली हैं बड़ी इलायची और 3-4 चम्मच हमने ली है हरी इलायची, ज़ीरा हमने लिया है 5 चम्मच। तो ये क्वांटिटी में हमने इस तरीके से आप ये समझ लीजिए 1 किलो के हिसाब से आप 1 चम्मच हर चीज़ का लेंगे, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का लेंगे, 2 तेज़पत्ते 1 किलो के हिसाब से आप लेंगे, तो इतना आप क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे। तो जैसे मेरा क्वांटिटी 6 से 7 किलो हो रही है तो उस हिसाब से ही मैंने यहाँ पर गरम मसाले यहाँ पर डाले हैं और हमें गरम मसालों को थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि इनका जो फ्लेवर है वो ऑयल में आ जाए। और यहाँ 1 से 2 मिनट हम अच्छे से भूनेंगे सारे मसालों को।
बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बिरयानी बनकर तैयार हुई थी फ्रेंड्स, आप यकीन मानेंगे सबको बहुत टेस्टी लगी थी। और दलीम भी जो हमने बनाया था, और सबसे पहले अच्छी बात तो ये हस्बैंड बहुत खुश हुए थे, उन्होंने ये कहा था कि बहुत बेस्ट गिफ्ट है ये मेरा अब तक का। और ये देखिए यहाँ पर अच्छे से मसाले जो हैं भुन रहे हैं, और इसके बाद फ्रेंड्स हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर भी फ्रेंड्स मैंने 250 ग्राम ही, एक कप 250 ग्राम ही अदरक लहसुन दोनों मिक्स करके पीसी हैं, इतना ही डालेंगे जितनी हम क्वांटिटी में बना रहे हैं। तो 250 ग्राम आप दोनों चीज़ें मिक्स करके पीसेंगे एक कप के हिसाब से आप लहसुन अदरक, और एक से दो चम्मच आप एक्स्ट्रा और ले सकते हैं, लहसुन अदरक तो और टेस्ट बढ़ाता है बिरयानी का। तो थोड़ा सा हम एक दो मिनट लहसुन अदरक को फ्राई करेंगे मसालों के साथ, थोड़ा सा कच्चापन इसका निकल जाए। उसके बाद फ्रेंड्स हम डालेंगे हरी मिर्चें। यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें भी 250 ग्राम ही ली हैं, 250 ग्राम। अगर आपकी हरी मिर्चें तीखी हैं तो आप थोड़ा उन्हें कम कर दें, लेकिन यहाँ पर जो मैंने हरी मिर्चें ली हैं वो ज़्यादा तीखी नहीं थी, इसलिए मैंने 250 ग्राम यहाँ पर हरी मिर्चें यूज़ करी हैं। बेसिकली मुरादाबाद बिरयानी जो होती है स्टाइल, उसमें हरी मिर्चों का ही यूज़ होता है, लाल मिर्च का यूज़ नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए आप चाहें तो थोड़ा सा लाल मिर्च का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आगे किया है, लेकिन अभी मैंने इन्हें इसमें हरी मिर्चें ही डाली हैं। अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो मीट है, जो गोश्त है, वो गल चुका था, मैंने सिंपल उसकी जो पीसेस हैं वो इसमें डाल दी हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा जो बफेलो मीट है, जो पीस है मीट है, उसे भी थोड़ा सा मसालों के साथ भूनना था। और यहाँ पर फ्रेंड्स अब हम लेंगे दही, वो भी हम लेंगे 250 ग्राम ही। बेसिकली जितने भी मैंने उसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, दही है, लहसुन अदरक है, वो 250 ग्राम ही है जितनी क्वांटिटी में है, तो आप इस हिसाब से ही ले लें। यहाँ पर दही ली है, उसमें भी हम इसको गोश्त को भूनेंगे अच्छे से। यहाँ पर 2 से 3 मिनट हम दही के साथ मीट के पीसीस को भूनेंगे, और गैस को हम फुल ही रखेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी क्वांटिटी में है तो गैस को फुल ही रखना है। यहाँ पर अच्छे से फ्रेंड्स दही और सब मसाले अच्छे से भुन गए हैं गोश्त के साथ। अब इसमें हम डालेंगे पानी, जो हमने मीट बॉईल किया था उसका जो पानी स्टॉक बचा था, वो सबसे पहले तो वो डालेंगे। और फ्रेंड्स पानी हम इस हिसाब से डालेंगे, क्योंकि हम खुले बर्तन में बना रहे हैं, तो जितना हमारा चावल हमने लिया है उससे डबल क्वांटिटी में हम पानी डालेंगे। जैसे कि आपने अगर 4 गिलास चावल लिया है तो आप डालेंगे 8 गिलास पानी, इतना ही हम डबल ही पानी डालते हैं। तो ऐसे ही मैंने पानी लिया है, जितनी क्वांटिटी में मेरा, मैंने यहाँ पर चावल मेजर करके डाला था, 3 किलो चावल लिया था, 3 किलो, उतनी ही क्वांटिटी का मैंने डबल पानी डाल दिया है। यहाँ पर मैंने देखिए लाल मिर्चें 1 चम्मच डाल दी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा चटपटी बिरयानी सबको ही अच्छी लगती है, तो मैंने यहाँ पर 1 से 2 चम्मच लाल मिर्चें डाल दी हैं। आप नहीं चाहते हैं तो नहीं डालें। और यहाँ पर 2 नींबू मैं डालूँगी, इससे जो है चावल खिला खिला बनता है, बहुत टेस्टी बिरयानी बनती है, मुरादाबादी स्टाइल है तो वहाँ उसमें नींबू डलता है। तो आप अगर इतनी क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप 2 नींबू इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ बॉईल आना शुरू हो रहा है, तो अब यहाँ पर चावल को भीगे हुए 2 घंटे हो चुके हैं, 3 किलो चावल मैंने लिया था टोटल, ये 6 से 7 किलो बिरयानी हो जाएगी। 3 किलो हमने यहाँ पर गोश्त लिया था, 3 किलो चावल, तो यहाँ पर सारे चावल मैंने डाल दिए हैं। 2 घंटे ज़रूर हमें भिगोने हैं, ये बिरयानी की स्पेशल जो पक्की सेला होती है वो हमने यूज़ की है, और अच्छी क्वांटिटी। जब पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे रह जाएगा बस, बाकी फिर हम दम में रखेंगे, तो हमें जब तक इसका पकाना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने ढक्कन खोला है, पानी देखिए ऑलमोस्ट सूख चुका है, थोड़ा सा पानी नीचे रह गया है, वो हम दम में सुखा लेंगे। और जब हम दम रखने से पहले यहाँ पर फूड कलर, जर्दई रंग, ऑरेंज फूड कलर हम डालेंगे इस तरीके से, ये 1/2 गिलास मैंने फूड कलर बनाया होगा। और इसके बाद फ्रेंड्स हम इसमें बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट, जैसे आप कह सकते हैं जान इस बिरयानी की, यह है मिर्चों का अचार, जो इजीली आपको किसी भी शॉप पर मिल जाएगा, ग्रॉसरी शॉप पर, ये मिर्चों का अचार है। ये भी हम 250 ग्राम ही, इतना ही हम इसमें डालेंगे, ऊपर बिल्कुल लेयर लगा देंगे मिर्च के अचार की। बाद में हम इसे मिक्स करेंगे तो आपको बिरयानी के हर टेस्ट में ये आपको ये मिक्स होगा, तो अच्छे से जब मिक्स कर लेंगे हम बाद में। ये देखिए यहाँ पर 250 ग्राम ही यहाँ पर अचार लग गया होगा, जो हम ऊपर से इसमें लगा रहे हैं। और अब यहाँ पर हमने अचार सेट कर दिया है ऊपर, अब इसे हम फिर से ढक्कन ढक देंगे और इसे दम पर रख देंगे 15 से 20 मिनट, बिल्कुल गैस को सिम कर देंगे।
फ्रेंड्स ये देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और यहाँ बिरयानी बिल्कुल बनकर तैयार है, दम पर हो चुकी है बढ़िया। अचार की भी और चावल के जो मसाले हमने डाले हैं ऐसी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये देखिए मैं आपको चलाकर दिखाती हूँ, एक एक चावल आपको खिला खिला मिलेगा, बहुत ही टेस्टी, यकीन मानिएगा बहुत ज़बरदस्त बिरयानी बनी थी। आप इस तरीके से ही बनाएंगे, इतनी ही क्वांटिटी में अगर आपको बनाना है तो इतना ही आप मेजरमेंट लेंगे। थोड़ा सा हम अचार को मिक्स करेंगे इस तरीके से और यहाँ बेहतरीन ज़बरदस्त ऑथेंटिक मुरादाबादी स्टाइल बिरयानी बनकर बिल्कुल तैयार है। और यहाँ मेरी दोनों चीज़ें बनकर तैयार हैं, अब मुझे प्रिपरेशन करनी है इनको बांटने की, जो मैंने सोचा था कि मैं आसपास सबको बांटूंगी। और ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर पैकेट्स ले लिए थे जो मार्केट में मिलते हैं, जो चाट वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। ये बहुत ही मुझे इजी लगा था कि प्लेट्स वगैरह में बांटने में थोड़ा सा हैक्टिक हो रहा था, तो मैंने इस तरीके से ये पैकेट्स ले लिए थे। और ये देखिए इस तरीके से फिल करके और इन्हें कवर करके मैंने सब जगह बांटी थी। और यहाँ पर अब मैं ये दलीम भी पैक करूँगी, यहाँ पर देखिए दलीम भी बिल्कुल बनकर रेडी है और वो भी मैं दलीम भी मैंने इसी पैकेट में सबको पैक करके दिया था, पर जितना इसमें सफिशिएंट है उतना मैंने लिया था। और इसके बाद इसे गार्निश किया था फ्रेंड्स, वही जो ऑयल होता है जो हम प्याज ब्राउन करने के बाद जो रह जाता है। तो यहाँ पे देखिए बिरयानी भी एकदम बनकर तैयार है। तो दलीम को हमने मैंने किस तरीके से सजाया था ये देखिए, थोड़ा सा ऑयल ऊपर से डाला था रोगन तरी जो है, और इसके बाद इस पर थोड़ा सा हरा धनिया डाल के, और बहुत ही टेस्टी और चटपटा दलीम बनकर तैयार हुआ था। ये देखिए पैकेट्स मैंने बना दिए हैं, पैकेट दलीम के थे बराबर बराबर और पैकेट जो थे बिरयानी के थे। इस तरीके से मैंने यहाँ पर बल्क क्वांटिटी में अपनी ये रेसिपीज़ बनाई थी और सब जगह बाँटी थी। और अब प्लीज़ मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपीज़ इतनी बल्क क्वांटिटी में कैसी लगी, और अगर आपको कुछ हेल्प इससे मिलती है तो अगर आप भी घर पे बल्क क्वांटिटी में इतना बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को ये ज़रूर देखें। और कुछ भी क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो तो मुझे ज़रूर बताएं। और आपको ये मेरी वीडियो ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताएँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।